हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलईडी टीवी है 32 इंच की, जो कि ये पैनासोनिक में आती है। और इस एलईडी टीवी में जो हमारी टिकोन की पोर्शन होती है वो मदरबोर्ड में ही होता है। तो खासकर आपको मैं कंपनी लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये पैनासोनिक की है और इसमें एलजी की पैनल लगी हुई है, तो आपकी इसकी टिकोन आपकी इसके अंदर मिल जाएगी। हो सकता है कोई दूसरी की भी टिकोन आपको अंदर मिले, 4K बोर्ड की टिकोन अंदर मिले, माइक्रोमैक्स की टिकोन अंदर मिले, TCL की पैनल जो है उसकी टिकोन अंदर मिले। मेरे बात को आप समझ ना करें, सबका तरीका एक है। थोड़ा सा कठिन है, फॉर्मूला जानकारी कर लेने से ये भी कठिन आपको दूर हो जाता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये पैनल से किसी ने छेड़छाड़ किया है कि नहीं। तो हम लोग एक बार जूम थोड़ा सा कर दे, हल्का जूम करके, और आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पहले देखें कि इसमें कहीं पर भी छेड़छाड़ होकर आई है कि नहीं, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम भी हम दिखाएंगे और आप लोग प्रॉब्लम को समझेंगे, जानेंगे, तो आप इस पैनल को बा इसी तर्ज पर कोई भी पैनल को कम से कम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोलकाता, पटना, मुंबई और बांग्लादेश, तो जहां पर आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई देगा जिस डेट में, आप उस डेट में ही कृपया करके अपना फ़ोन करके सीट बुक कराएं। अभी फ़िलहाल मुंबई के लिए नया ट्रेनिंग का डेट निकला है, तो आप इस बैनर पर एक नंबर दिखाई देता होगा 8828610128 पर आप चाहे तो सीट बुक करा सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग A to Z प्रैक्टिकल होता है, खासकर पैनल और सॉफ्टवेयर पर ध्यान देके चलते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब स्मार्ट बोर्ड की, यानी स्मार्ट बोर्ड। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुंबई में, तो आप इस डेट को सीट बुक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो लंबा ना जाए, और ये नो पिक्चर नो डिस्प्ले में है। हम एक बार ऑन कर दें, और ऑन करने के बाद यहाँ देखें कि ये रेड लाइट जल रहा है, अब ये ग्रीन जलेगा, और जैसे ये ग्रीन जलेगा, ये ग्रीन जला और हमारी सेट जो है वो ऑन हुई। ऑन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन है नो डिस्प्ले नो पिक्चर, नो डिस्प्ले नो पिक्चर। तो हम लोग बेसिक, जैसे पैनासोनिक की ये टीवी है, बेसिक वोल्टेज को हम लोग क्या कर लेंगे, मापेंगे। बेसिक का मतलब हुआ कि आपको मालूम होगा कि AVDD, VGS और VGL। और आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि आप लोग सोचते होंगे कि कहीं ये पैनल पीछे से भी कुछ किया हुआ है कि नहीं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो जो है एडिटिंग तो नहीं करता हूँ, क्योंकि हम गलत बोले या सही बोले, इसी वीडियो को मैं आपको YouTube पर अपलोड कर देता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि आपको मैं ओरिजिनल दिखाने के लिए कोशिश करूँ, कोई एडिटिंग नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक हाथ से, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है और ये पैनल पूरी एकदम फ्रेश है, ठीक। लेकिन इसमें नो डिस्प्ले नो पिक्चर। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो यहाँ पर ये हमारे जो DC to DC IC लगी हुई है और ये सेट चालू हो गई। अब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे, यहाँ पर लाइए और हम लोग पहले देख ले, आप मीटर पे भी ध्यान दे के आप चलिएगा। तो जैसे हमारी 12 वोल्ट यानी इनपुट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारी AVDD आना चाहिए लगभग 15 वोल्ट, तो जो ये हमको जीरो दिखाई दे रहा है, कहाँ पर हमारा यहाँ पर आना चाहिए, इस PA पर। आप थोड़ा सा नज़दीक लाइए, नज़दीक थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर आना चाहिए हमारी 15 वोल्ट, ठीक। तो ये 15 वोल्ट हमारा नहीं है, यानी
हमारा यहाँ पर VGH और VGL भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नहीं आया 15 वोल्ट, तो ये हमारा 15 वोल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब VGH VGL भी हमारा नहीं है। और तब हमको थंब के सहारे देखना पड़ेगा कि ये ऐसी हीट हो रहा है कि नहीं। तो ये ऐसी बिल्कुल ठंडी है, ये ऐसी बिल्कुल ठंडी है। ठीक, हमको क्या करना होगा, फिर से स्विच बंद कर देना होगा, जैसे हमने बंद कर दिया। बंद करते हुए हम LVDS केबल को, यानी FFC केबल को, LVDS केबल बोलना ये गलत है, तो ये FFC केबल को हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। LVDS मतलब RX की सिग्नल, ये RX की सिग्नल तो यहाँ पर डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे इसको निकाल दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम यहाँ पर जैसे इसको निकाल दिए, तो अब हम इसको लाइन देंगे। और लाइन देने के साथ साथ अब जैसे सेट ये चालू होगा, यहाँ पर हमारी बैकलाइट जलेगी जो इस हॉल से दिखाई देगा, यानी हमारी बैकलाइट जल गई। अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि हमारा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। देखिए 15.5 वोल्ट, यानी ये जैसे हम FFC केबल लगा रहे हैं तो ये पैनल हमारी क्या हो रही है, शॉर्ट हो जा रही है, यानी ये IC हमारा प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पैनल हमारी कहीं पर शॉर्टेज है। तो हमारा पैनल ये कहाँ पर शॉर्टेज है, ये वीडियो ऐसे तो लंबा चला जाएगा, हालांकि हम आपको और भी तरीका बताएंगे, लेकिन इसका एक ईजी तरीका हमें बता दूँ कि अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पर, पहले स्विच को बंद कर दें और हम लोग चले जाएंगे इस ट्रैक पर, यहाँ पहले इस ट्रैक को आप लोग देख ले, आपको मिलता होगा कुछ इस तरह से, और ये बोर्ड मिलेगी तो आप ऊपर से आपको 6 और 7 दोनों ट्रैक को क्या करना होगा, कट कर लेना होगा। 6 और 7 को दोनों को क्या कर लेना होगा, कट। तो हम लोग चले जल्दी से कट कर ले, अभी देखिए कट नहीं है, आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कट नहीं है। हम 6 और 7 कहाँ, इधर से नहीं, इधर से 1 2 3 4 5 6 6 और 7 हमको क्या करना होगा, कट कर लें, अलग कर देना होगा। चलिए हम लोग अलग कर दे, पता चलेगा कि हमारी शॉर्टेज आखिर है कहाँ। तो हम इस तरह से इसको कट कर देंगे, और वो कटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रैक हमारा कट है, जैसे कि यहाँ से हमने बोला था 1 2 3 4 5 6। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक को अपनाएंगे, ऐसे हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बहुत सारा इसका प्रक्रिया है, लेकिन पहला ट्रिक है कि ऑड इवन, जैसे कि आपको बहुत है लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये दोनों, ये हमारा VGL है, तो इस VGL को, इस दोनों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम एक 28 वोल्ट 26 वोल्ट या 32 वोल्ट जो भी हो, हमारा जो VGH बन रहा है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक जम्पर मारकर देख लेंगे। इस तरह से अगर हुआ तो ये पैनल ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा भी प्रोसेस है। तो हम लोग एक बार जम्पर मारकर देख ले, ताकि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों कोशिश मैं करता हूँ कि ताको आपको एक अच्छा खासा मतलब नॉलेज देते हुए चलूँ, लेकिन समय की वजह से, लंबा वीडियो बनने की वजह से, जैसे कि हम यहाँ पर भी आपको एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ, जो हमने ट्रैक को काटे हैं तो आपको जूम में दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ 2 ही ट्रैक कटा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक इसी तरह से हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं कि क्या काम किया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, तुरंत तो जम्पर को हम लोग एक बार मार ले। आपको याद रखना होगा कि मुंबई में अगर ट्रेनिंग लेना है तो आपको इसी डेट पर और इसी नंबर पर कॉल करना हो। यहाँ पर हमने 5 और 6, आपको याद रखना होगा, 5 और 6 हमने यहाँ पर एक साथ जम्पर किया, और 7 को हमने एक जम्पर वायर लेकर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये हमने इसको डायरेक्ट VGH इस जगह पर हमने दे दिया। आपको मैं फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जम्पर को दे दिया, और ठीक आपको वहाँ पर भी हम दिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप के सहारे। तो ये माइक्रोस्कोप आपको हमारे सिवा तो कहीं मिलेगा नहीं, बहुत
लोग कोशिश किए हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ये जितना आता है उतना जल्दी सेल भी हो जाता है, तो ये भी आ रहा है, वेटिंग में है, आपको याद रखना होगा। तो माइक्रोस्कोप के लिए जहाँ पर आपको नंबर दिया गया था आप उसी से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। माइक्रोस्कोप के लिए पहले आपको बुकिंग करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लंबी लाइन और लंबी कतार रहती है। तो यहाँ पर 5 और 6 एक साथ हमने शॉर्ट किया है और एक को हमने जंपर वायर लिया है। मैं आपको फिर से दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भ्रम में न रहें। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, कर कर देख सकते हैं। हालांकि पैनल शॉर्टेज है, 1 2 3 4 5 5 और 6 एक साथ जंपर और 7 जो है वो हमारा भी GH। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, इससे पहले तो पटना में हमारी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मुंबई में, मुंबई के बाद कोलकाता में, ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग इसको लाइन देंगे, लाइन दे दिए और लाइन देने के बाद यहाँ पर ऑन होना चाहिए, बैकलाइट जलना चाहिए। कोई एडिटिंग नहीं दोस्तों, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तरीका बहुत है, आपको फॉर्मूला जानने के लिए हमारी ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। हमारा ट्रेनिंग कोई प्रोजेक्टर पर नहीं होता है, हम एक हाथ से कर रहे हैं और एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों देखिए ये पैनल हमारा ओके, लेकिन बीच में एक हमारी लकीर आ रही है, आपको दिख रहा होगा एक लकीर आ रहा है जो बीच में, लेकिन बाकी जो है ये पैनल हमारा एकदम ओके है। कहीं से और कोई दूसरी प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं दे रही है, यानी ये पैनल हमारे काम चलने लायक हो गई है, जो कि हमारा फेंकने का था, यानी नया रिप्लेस करने के था, फिर भी हमारा ये एक लकीर के सहारे ये पैनल रेडी हुई। तो कुछ इस तरह से आप हर पैनल को बना सकते हैं, लेकिन पैनल बनाने के लिए आपको फार्मूला जानना जरूरी है। आप सोचते होंगे कि इधर भी कुछ किया गया होगा, तो आप देख लें, आपको देखने का हक है, और सबूत चाहिए तो हमारा ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। CKB शॉर्ट किलर क्या कैसे होता है, कौन सा पैनल में होता है, CKV कैसे पहचानेंगे, कौन सा साइड कफ नहीं है, कौन सा क्या सिग्नल्स है, कौन सा मिसिंग हो, ये A to Z पैनल की फार्मूला आपको हमारी ट्रेनिंग में दिया जाएगा। जहाँ पर भी आए, कोई प्रोजेक्टर में ट्रेनिंग हमारी नहीं होती, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 से ज़्यादा मेंबर नहीं होता है दोस्तों। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।